अस्सलाम कैसे हैं आप सब। मैं हूं जाले सरहदी और आप मौजूद हैं मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है जाले टॉक्स। और हमेशा की तरह जो मेरा आपसे वादा रहता है कि मैं ऐसे ऐसे चेहरों से ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाती हूं जिनको मैं ज़ाती तौर पे पसंद करती हूं एंड मैं चाहती हूं कि इनकी मुलाकात मैं आपको अपने नज़रिए से करवाऊँ अपनी थ्रू माई आईज। यू हैव सीन ऑल ऑफ दीज पीपल, दे आर रेगुलर फेसेस, आपके हाउस होल्ड नेम्स हैं एंड उनको डिफरेंट किरदारों में आपने देखा है, बट एज पीपल एज एक्चुअल पर्सनैलिटीज एंड इंडिविजुअल्स ये लोग कैसे हैं वो मैं आपसे मिलवाती चलती हूँ। तो इस वक्त मेरे पास जो ऐसे शख्स मौजूद हैं इनके साथ मैंने एक ही बार काम किया, एक ही सीरियल में काम किया एंड वी हिट इट ऑफ लाइक इमीडिएटली। ही इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, द बेस्ट थिंग ही इज़ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट, very very talented and it doesn't hurt that he's also very good looking. So here we have Fawad Jalal. How are you? I am very well, Ali. How are you doing? Main bilkul theek thaak Fawad. Kaisa lag raha hai Karachi mein aake? Karachi mein aake bahut acha lag raha hai. Main abhi I was in Lahore for almost 2 months and I did nothing but just eat and sleep and repeat. So mujhe maine jab Fawad se pucha to Fawad ne bahut acha statement pass kiya tha ki I ate everything but my family. So wo everything kya tha Fawad? वो एवरी थिंग इंक्लूडेड एवरी थिंग लाइक स्टार्टिंग फ्राम बिकॉज वेन एवर आई गो टू लाहौर माई आंट्स वो बड़े पायों के साथ तैयार होती हैं तो बड़े पाए दैन ऑल सारे लाहौरी पकवान बी इट देसी बी इट कॉन्टीनेंटल वॉट एवर एंड माई सिस्टर वॉज हेयर सो रोज पार्टी होती थी सो या। अच्छा फवाद की जो अच्छी बात मुझे लगती है ना, फवाद लव्स चिल्ड्रन, ठीक है, और इनकी एक नीस है Yes. जो हमने उनकी तस्वीरें बहुत देखी हैं, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी है क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ, आप लोग लाहौर में होते हैं, बट yep. आपकी रिलेशनशिप उसके साथ इज अमेजिंग, प्लीज टेल समथिंग अबाउट हर। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई व्हेनेवर समवन आस्क्स मी हाउ मेनी किड्स डू यू हैव तो मैं कहता हूँ कि मेरे माशाल्लाह आई हैव 5 किड्स, 2 फ्रॉम माय सिस्टर एंड 3 फ्रॉम माय सॉरी 3 फ्रॉम माय सिस्टर एंड 2 फ्रॉम माय ब्रदर एंड ही इज सिंगल एंड ही इज सिंगल एंड आई एम सिंगल आई एम सिंगल एंड आई एम सिंगल प्रीटी मच रेडी टू मिंगल बट सो ये है कि आई हैव प्रैक्टिकली रेज माई नीसेज एंड माई नेफ्यूज लाइक माई ओन चिल्ड्रन। तो अब ये है कि मेरी जो बहन है शी मूव टू कैनेडा क्वाइट अ फ्यू ईयर्स बैक, तो अब ये है कि मेरे भाई के बच्चे मेरे पास होते हैं एंड बड़ा वाला तो बड़ा हो गया, तो छोटी वाली जो है अब वो ही है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यस व्हेन एवर आई एम इन लाहौर तो उसको स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद घर ला के तो शी इज विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम। या आई सी आई कीप ऑन सीइंग पिक्चर्स और हम लोग यू नो अप टू डेट रहते हैं थैंक्स टू सोशल मीडिया। यस अच्छा फवाद की बहुत सारी बातें हैं, एक चीज तो मैं जो हमने हिट इट ऑफ किया था वो हम टिकटॉक हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था अपने क्योंकि हम एक बड़े डिप्रेसिंग सीरियल का हिस्सा थे। यस ठीक है, जो कि सारे सीरियल डिप्रेसिंग होते हैं। बिल्कुल। सो बिहाइंड द सीन जितना हम लोगों ने फन किया है उतना आपको पता ही नहीं चल रहा होगा वो सीरियल देख के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे मैं टिकटॉक पे तब तक आया नहीं हुआ थैंक्स टू याले दैट आई जॉइन टिकटॉक सो और उसके बाद ये हुआ कि आई काइंड ऑफ गॉट एडिक्टेड एंड माय अकाउंट गॉट बैंड सो रियली यस व्हाट ओके स्टोरी स्टोरी टाइम स्टोरी ये था कि उसका ये हुआ है कि जब एक तो माशाल्लाह यहाँ पे होता कि आप के किसी भी सोशल मीडियम के ऊपर कोई भी 2-4 उल्टी सीधी वीडियोस आ जाएं तो लोग कोर्ट पहुँच जाते हैं, कोर्ट पहुँच के कहते हैं कि जी आप इस आप सोशल मीडियम को बैन करें। तो इसी तरह आपको पता है टिकटॉक आजकल भी बैन हुआ है, टिकटॉक कुछ अर्सा पहले भी बैन हुआ था, जब लास्ट टाइम बैन हुआ था तो आई वॉज लाइक सो मेनी अदर पीपल आई वॉज यूजिंग VPN और मैं आई वॉज पोस्टिंग वीडियोज ऑन इट और एज अ रिजल्ट गॉट बैन्ड। अच्छा VPN की वजह से? यस। तो कंटेंट की वजह से तो? नॉट कंटेंट। हाँ मैं यही सोचती थी, मैंने कहा फवाद का इस किस्म का कंटेंट तो होता नहीं है। ये लेकिन इस किस्म का कंटेंट बहुत जरूरी है अले। हाँ बिल्कुल है। क्योंकि हाँ क्योंकि Why? क्यों जरूरी है? वायरल होने के लिए। अब सिंपल सी बात है, अगर आप एक अच्छी चीज बनाएंगे, अच्छी चीज में बैठ के बातें करूंगा तो वो हमारे मुल्क में तो कोई नहीं सुनता ना। हाँ। जब तक कोई उसमें कुछ थोड़ी सी Am I allowed to say why आती? क्यों नहीं? YouTube है। Okay. हम लोग क्यों टीवी पे नहीं कर रहे ये इंटरव्यू? इसी वजह से। तो थोड़ी सी जब तक आप वाहियाती का कंटेंट उसमें नहीं डालते तब तक आपकी कोई चीज वायरल नहीं होती और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हमारी फील्ड है उसमें सर्वाइव करने के लिए आपको पता है कि आपका एक्टिंग स्किल्स तो काउंट ही नहीं करती। नॉट एट ऑल। ठीक है हां जरूरत हो तो इट्स योर सोशल मीडिया। हां आपकी आपकी दोस्तियां सही जगह पे होनी चाहिए पहले, तो सबसे पहले जो है आपकी दोस्तियां सही होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर जरा सी भी आपकी शक्ल अच्छी हो उस पे तो आगे पीछे आपको वो जो आपकी दोस्तियां हुई भी होती हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लेते हैं, आपको बॉम्बार्ड किया जाता है हर जगह और उसके बाद आप फेमिलियर हो जाते हैं, लोग आपको पहचानना शुरू हो जाते हैं एंड दे थिंक यू आर गुड।
Yes. है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. उसमें एक्टिंग स्किल्स कहीं नहीं आती. अच्छा फवाद, so you are actually a lawyer, a barrister? Was. Not a barrister, but an advocate. Yes, I have. So किस किस्म का लॉ आपने प्रैक्टिस किया, कब तक किया, और उसके बाद फिर ये रास्ता कैसे आया? अच्छा, मैं उसका एक बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि माय फादर इज अ वेरी सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हमारा अपना एक लॉ चेंबर है, तो जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा, बिकॉज मेरा जो बड़ा भाई है इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो पहले ही करके अकाउंटेंसी वो साइड पे हो गया था. सो मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, बिकॉज लॉ, टू बी ऑनेस्ट फॉर मी, बहुत एक ड्राई सब्जेक्ट है. बट आई हैड टू डू इट, एंड करना पड़ा. फिर उसके बाद आई जॉइंड इट, और मेरे ख्याल में क्रिमिनल लॉ छोड़ के मैंने बाकी सारा कुछ किया था, बट सम हाउ मेरा फिर भी इंटरेस्ट डिवेलप नहीं हुआ उसके अंदर, एंड आई कॉल्ड इट क्विट्स. Okay, so but how did you venture out towards this field? मुझे शुरू से, from day one, ever since I can remember, मुझे याद है कि जी मुझे एक्टर बनना था. मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था. तो मैं साथ साथ स्ट्रगलिंग, मतलब कि चल रही थी स्ट्रगल, कभी इधर के जमाने में, स्कूल कॉलेज के जमाने भी थोड़ी बहुत थी, बट ज्यादा when I got done with my studies, तो उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं स्ट्रगल शुरू की. कराची आया, आके लोगों से मिला, बिकॉज माई मदर एंड हर साइड ऑफ द फैमिली, वो मतलब काफ़ी मेरे यहाँ पे ननिहाल है. सो आई केम हेयर, आई स्टार्ट मीटिंग पीपल, एंड फिर आहिस्ता 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 होते होते इट टुक मी क्वाइट सम टाइम बिफोर आई स्टार्ट गेटिंग वर्क. तो फिर काम मिलना शुरू हुआ, फिर इवेंचुअली आई सेटल डाउन हियर. सो आपने मॉडलिंग भी किया? मॉडलिंग नॉट अ सच. अच्छा, पता है जब मैं आपसे मिली थी ना पहली मर्तबा, सो मैं आप जनाब करके बात कर रही हूं कि यूट्यूबर हूं, तुमसे जब मैं पहली मर्तबा मिली थी तो मुझे ये बताया गया था कि ये मॉडल है. अच्छा, और मैंने जब देखा तो मैंने कहा हां भाई मॉडल तो लगते हैं होंगे. हां, लेकिन क्योंकि हम मिक्स्ड फील्ड्स हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, सब करते हैं. सो यू वर्नट अ मॉडल? आई वाजंट अ मॉडल, बट मुझे ये था कि मुझे, चूंकि जब मैं आया तो फैमिली में भी कोई नहीं था शोबिज में, तो मुझे यही पता था जी अच्छा आप पहले मॉडलिंग से शुरू करते हैं, आप मॉडल बनते हैं, मॉडलिंग से फिर आपको प्लेज मिलते हैं, प्लेज से फिर आपको आपके मूवीज मिलती हैं. ये किसी ने फिलॉसफी नहीं है मेरी, जो मैंने ऑब्जर्व किया था, लाइक काफी सारी जो मेरे जमाने की, जो इतना पुराना नहीं है इनका, इतना पुराना नहीं है, लेकिन जो मेरे जमाने के ज्यादातर जो फीमेल मॉडल्स और मेल मॉडल्स थे, जैसे क्या कहते हैं विनी, ईरज, जी क्यू वगैरह, आप लोग सारे के सारे, देन मिकाल एंड इमाद एंड एवरीबॉडी, दे स्टार्टेड ऑफ एज मॉडल्स एंड देन इवेंचुअली दे स्टार्टेड गेटिंग कास्टेड इन प्लेस. सो मुझे था कि अच्छा ओके दिस ये इस तरह से शुरू होता है. आई ट्राइड माई लक इन मॉडलिंग बट डिडंट वर्क आउट फॉर मी एंड इट वॉज इन माई कप ऑफ टी. सो मैंने ज्यादा परसू भी नहीं किया उसको, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर. तो फिर यही हुआ कि इवेंचुअली फिर मैंने उसको खैर बात किया. यू नो, मुझे जैसे इफ यू आस्क मी के अच्छा, जनरली पीपल थिंक दैट आई स्टार्टेड मॉडलिंग फर्स्ट, आई डिड नॉट. माई फर्स्ट वेंचर वॉज एक्चुअली रेडियो. ओके ओके. आई डिड रेडियो, देन आई डिड एक्टिंग, देन मॉडलिंग वॉज माई लास्ट थिंग. आई डिड होस्टिंग एंड देन मॉडलिंग. बट क्योंकि आप, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप मॉडल बन जाते हैं तो आपको एक एडेड प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बिकॉज डिफरेंट लुक्स. बिल्कुल, यू नो, एक जो कि मैं सबको एडवोकेट करती हूँ कि हमारे लोगों में इतनी अकल तो है नहीं कि वो आपको डिफरेंट वेरियस कैरेक्टर्स में देख सके. बिल्कुल, बिल्कुल. एक आपको कैरेक्टर मिला, उसी किस्म का दूसरा ऑफर हो जाता है. बिल्कुल. सो मॉडलिंग से एटलीस्ट आपको ये आपका जाविया बड़ा हो जाता है. बिल्कुल, ठीक ना. एज ए, सो मेरे लिए अगर एक्टिंग की बात की जाए तो आई स्टार्टेड ऑफ, आई एम अ पेंटर, सही है. सो फॉर मी इट्स एक्सप्रेशन. अच्छा, I did not know that. You did not? Okay, no. I'm a graduate. That's a revelation. Graduate. Okay. मेरे मास्टर्स किया हुआ. No big deal. So, for you, what is acting for you? You know, because acting is not just a profession. It is not. It is not. It is not. आप बना ही नहीं सकते जब तक आपका passion ना हो. Yes. So, what attracts you to this medium? अच्छा, मुझे ये है कि first of all, पता नहीं अभी बंदे के अंदर already I was born with it. But acting has always kind of given me a satisfaction, and not just a job satisfaction, but मुझे एक करके खुशी मिलती है. Okay. ठीक है, when I'm in front of the camera, when I'm rehearsing the lines, and when क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा कई दफ़ा लोग एक्टर्स होते हैं, वो उनका होता है कि ज़्यादातर आजकल डायरेक्टर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप वन टेक एक्टर हूँ, आप एक दफ़ा पढ़ें और उसी तरह बोल दें, देर लाइक ओके. आपको पता है कि आपको जमीन, वो उसका उतार चढ़ाव कोई नहीं बताता. नहीं, बिल्कुल. तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं, मुझे जब तक खुद सेटिस्फैक्शन नहीं होती, मैं रीटेक्स देता रहता हूँ, इवन तो मुझे लाइन याद होती हैं. सो इट्स जस्ट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन एंड गिव्स मी हैप्पीनेस.
ये तो मैं इनकी बात को सेकंड करूंगी, बिकॉज जब मैं इनके साथ कर रही थी सीरियल, और वो ऑलरेडी एक ऑन गोइंग सीरियल था जिसका मैं हिस्सा बाद में बनी थी, और मैं देख भी चुकी थी और उसकी बहुत तारीफ हुई थी. यू नो, आपकी भी, और उसमें मारिया वास्ती भी थी, उसमें बीनिश चौहान इज अ फैंटेबुलस एक्टर, अली खान है, तो सब, और उसमें कैरेक्टर्स भी कम थे, एंड इट वाज बेस्ड ऑन अ चाइल्ड, तो आप लोग सबको मैंने ऑलरेडी देखा हुआ था, एंड यू गाइस वर ऑलरेडी इन दैट कैरेक्टर, और आप ऑलरेडी करते आ रहे थे, बट जब मैंने काम करना शुरू किया इनके साथ, तो मैं नोटिस यही कर रही थी, इट वाज अ ट्रिकी कैरेक्टर टू प्ले, दैट हर बार डायरेक्टर बोल भी देता था कि नहीं नहीं सही है, बिल्कुल सही है, ये आके रोके, नहीं मुझे सही नहीं लगा, तो हम एक बार फिर करते हैं. बिल्कुल, क्योंकि मैं आई कॉल माई सेल्फ अ डायरेक्टर्स एक्टर, कि मुझे डायरेक्टर जब तक बताएगा नहीं. हम अब आजकल होता ही है कि कई दफ़ा आई एम रियली सॉरी इसके बाद ये ना मुझे लोग कास्ट करना बंद करते हैं, बट होता ही है कि काफ़ी सारे जो 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 डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो मैंने नोटिस किया कि वो एक्शन और कट बोलते हैं. सो आप एक कैरेक्टर अगर आप कर रहे हैं, आप एक इवन अगर आप एक लाइन भी पढ़ते हैं, आप उसको दो तीन अगर आप स्ट्रेसेस या पॉजेस कहीं पे आप दें, तो उसका मतलब चेंज होता है. किसी एक लफ्ज पे आप स्ट्रेस करें तो उसका मतलब चेंज होता है, और आप उस पे दो तीन डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस देंगे तो उसके दो तीन डिफरेंट तरह के मतलब. फुल मास्टर क्लास चल रही है बाय द वे. ठीक है, सो डायरेक्टर्स जो हैं, आई थिंक ये डायरेक्टर, क्योंकि हमारे पास होता है कि हमारे पास सेट के ऊपर स्क्रिप्ट आता है, उसके पीछे क्या हुआ होता है हमें नहीं मालूम होता, तो एक्टर्स से भी नहीं मिले होते ना, बिल्कुल हमारी रैपो भी नहीं बनी हुई होती. बिल्कुल बिल्कुल, सो होता है कि आपको जब पता ही नहीं कि इसके पीछे हुआ क्या है, और आपको डायरेक्टर भी नहीं बता रहा, तो फिर होता है कि आपको खुद से ही करना पड़ता है, और जब आप खुद से करते हैं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तो यू नो, नो एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, एंड देन यू, व्हेन यू आर ट्रू टू योर क्राफ्ट, या एंड देन यू हैव टू पोर्ट्रे समवन एल्सस रियल लाइफ, उसके इमोशंस, और आप अपनी जबान नहीं बोल रहे हैं, आप उस कैरेक्टर की जबान बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं, और खुश असलूबी से और फुल ऑनेस्टी से करना चाहिए. सो दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी फवाद, एंड फवाद जो है ना इंतहाई ऑनेस्ट है, इंतहाई, लाइक वेरी वेरी ऑनेस्ट टू अ फॉल्ट. एंड इनकी एक और बात जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, ही एंड आई आर रियली 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 क्रेजी बिग फैंस ऑफ वन पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान. फवाद, डू यू वांट टू टेक द नेम और शुड आई? आई विल डू द ऑनर्स. इट्स ऑफ कोर्स, एंड इट्स, आई थिंक इट्स जस्ट नॉट यू एंड माय सेल्फ, इट्स द एंटायर नेशन. यूनिवर्सली? यस, यूनिवर्सली एवरीबॉडी इज क्रेजी अबाउट मीरा जी. हु इजंट? यस, हु इजंट? सो बेसिकली फवाद के साथ मैंने एक सीरियल किया, लेकिन हमारी दोस्ती हो गई, और हमारी दोस्ती बरकरार इस तरह से रही कि जब भी मीरा जी, और बहुत सारी बातें मीरा जी कहती हैं और बहुत मज़े की बातें करती हैं वो, और अगर वो नहीं होती तो हम सब एंटरटेन कैसे रहते. सो जब तक लॉकडाउन में हम लोग रहे हैं, जब तक यू नो कोविड, तो मीरा जी के अकाउंट में मैं और फवाद जो है वो स्टॉकर्स रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये एजाज फवाद को दिया जाए. यस, मारिया वास्ती, आप और मैं, हम तीन लोग हैं जिनके पास ये वीडियो सर्कुलेट होती हैं, जिन तीनों के पास सर्कुलेट होती है, और जिनसे बाकी पूरी दुनिया तक पहुंचती है. जी, फैजियाब. Yes. हमारी वजह से फैजियाब. मीरा जी, अगर आप ये शो देख रही है ना, तो प्लीज देखिएगा, वी आर आर्डेंट फैंस ऑफ योर. यस, और प्लीज उसके बाद आपने याले के शो में भी आना. मेरे शो में तो आ जाएंगी, लेकिन फवाद को आपने जरूर कास्ट करना है. बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल, बिल्कुल. करवाना है, अगर आप कोई और प्रोजेक्ट कर रही है और आप करवा सकते. बिल्कुल, मैं बिला मुआवजा वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. नहीं, ये मत कहिए, मुआवजा सबको मिलना चाहिए. ओके, चलें, ठीक है, ओके, मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन करना चाहते हैं. ओके, यस, ठीक है, डन. फिल्म ना? फिल्म, प्लीज, पुटिंग मी इन अ स्पॉट. नो, आई एम नॉट. मैं देखिए मशहूरी. ठीक है, डन. अच्छा फवाद, अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, बल्कि दो किए थे, ठीक है. एक जो है उसका नाम था लिफाफा, और अभी थोड़ी दिन पहले मेरे पास मशल भी मौजूद थी. Yes. उस तक वो आया नहीं था, ठीक है. अब व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट प्रोजेक्ट, एंड हाउ डिड यू एंजॉय वाचिंग इट? अच्छा, उसका ये था कि जब वो वेब सीरीज का, जनरली आप जब देखते हैं वेब सीरीज के कंटेंट में और ड्रामे के कंटेंट में बहुत फर्क होता है. वेब सीरीज इज मोर बोल्ड, एंड द स्क्रिप्ट इज समहाउ less censored, I'd say. तो that is something जो मैं expect कर रहा था, but एक चीज जो मैं expect नहीं कर रहा था वो ये था कि मुझे लग रहा था कि उसी तरह ड्रामे की तरह होगा कि जी अच्छा आए आज के 10 सीन छापने हमने. बट जब मैं सेट के ऊपर गया तो अयाज राव डायरेक्टर थे, एंड इट वॉज शॉट लाइक अ फिल्म. मतलब कि आई वॉज लिटरली इंजॉइंग, मतलब कि मैं वैसे भी एक्टिंग इंजॉय करता हूँ, बट मुझे लग रहा था कि आई वॉज शूटिंग अ फिल्म.
तो उसमें लाइक ब्रॉड फ्रेम्स, लाइटिंग एंड उसमें हम लोग एक दिन में मेरे ख्याल में 2 सीन्स करते थे. वाओ, कितने दिन लगे थे आपको ये शूट करने? हमें तकरीबन 8-10 दिन थे. बट और क्योंकि 15 मिनट्स का एक एपिसोड है, आई थिंक 8 एपिसोड्स हैं, छोटी छोटी एपिसोड्स हैं उसमें, तो उसमें ये था कि एक दिन में 2 हम लोग सीन शूट करते थे, बट वेरी डिटेल्ड. और उसमें भी ये था कि आई यूज टू गिव एज मैनी रीटेक्स एज आई वुड वॉन्ट. उसमें ये नहीं होता था कि जी हमारे पास टाइम नहीं है या शिफ्ट ख़त्म होने वाली है कैमरे की या लोकेशन की. डायरेक्टर चिल्ड था, मार्शल वाज देयर, देन उसमें एक और लड़की हैना चौधरी, द अदर जर्नलिस्ट. तो उसके साथ तो मेरा इतना काम नहीं था, उसके साथ मेरी एक फोन टॉक थी, बट मार्शल के साथ सारा काम था. एंड मार्शल वाज वेरी कोऑपरेटिव. मार्शल वाज लाइक, मार्शल की अच्छी बात ये है कि शी इज अनइनहिबिटेड. यस, व्हिच इज वेरी एसेंशियल फॉर एन एक्टर. यस यस. एंड उसका मैंने एक, मुझे याद है एक हमारा सीन था जिसमें उसका बड़ा फेमस डायलॉग था कि जी हर इतर बसों पे इतर बेचने वाले को जर्नलिस्ट बना देते हैं. तो वापस उसमें मैंने एक डायलॉग था मेरा कि जी हाँ, और वो इश्तियाक सिद्दीकी ने भी उठा के अपने प्ले ऑब्जेक्ट को एंकर पर्सन बना दिया. सो आई टुक क्वाइट अ फ्यू रीटेक्स बिकॉज मुझे लग रहा था कि जैसे ऑफ कोर्स मार्शल हैज नेल्ड इट, तो आई वाज इंटिमिडेटेड एंड आई वाज लाइक कि यार इसका रिएक्शन, हाँ इसने कहा है तो इसका यू नो एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जाना चाहिए. तो आई टुक क्वाइट अ फ्यू रीटेक्स एंड मार्शल वॉज वेरी, वो क्या, इवन द डायरेक्टर एंड मार्शल, they were very क्या कहते हैं, chilled out about it and very cooperative. Okay. So I thoroughly enjoyed it and when it came out, तो वो आपने देखा है कि it's a visual treat. It is. And आपने जो दूसरा project किया था, this was also an OTT का. बारवां खिलाड़ी. हाँ. वो तो film है ना. वो तो film. एक और आपका आया था, फवाद, chart plate. Oh, fruit chart. Fruit chart. Yes. देखिए. आप लग रहा है, मुझे पता नहीं है मैं क्या बात कर रही हूँ. मतलब मैं देखिए, मैं फॉलो करती हूँ, मैं फैन हूँ. हेलो, हाँ, सो व्हाट वाज दैट? अच्छा, फ्रूट चार्ट जो है, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग अपना कॉन्सेप्ट. बट ये कि इनिशियली आई वॉज रिलक्टेंट टू डू इट बिकॉज व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, एक लड़की की कहानी है जो कि तंजीला खान, जिन्होंने उसको लिखा भी है और काफ़ी इनपुट था उसका उसमें. तंजीला का दिखाया एक बेसिकली एक हैंडीकैप लड़की की कहानी है कि उसके हैंडीकैप जो लोग होते हैं, देयर लाइफ एज कंपेयर्ड टू अ पर्सन हु कैन यू नो जो या उनके कंपैरेटिवली दे हैव अ हार्डर लाइफ. सो आई थिंक वो ज्यादा एज अ पर्सन वो ज्यादा टफ होते हैं एज कंपेयर टू इवन माई सेल्फ. तो उनके पास लोग किस तरह मोटिवेशन के लिए जाते हैं, बिकॉज हमारा तो हम लोग मोटिवेशन हमारी ऐसे चुटकी में चली जाती है. सो उसमें ये दिखाया हुआ बेसिकली लड़की की कहानी है, उसके पास किस तरह लोग हमेशा मोटिवेशन के लिए आते हैं और वो एक मतलब कि एक तरह से बैठ के उनकी एक चीज श्रिंक जो कि उनकी बैठ के उनकी बात सुनती है, काइंड ऑफ उसका दिखाया गया. सो इट वाज अ वेरी वो, लेकिन एक उसको देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉमेडिक रिलीफ इन दैट शॉर्ट फिल्म. और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इनिशियली आई वाज रिलक्टेंट, बट देन मोइज जो डायरेक्टर है उसके साथ मैंने काम किया हुआ है, तो उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि नहीं फवाद भाई अब कर लें. चल यार तू कह रहे मैं कर लेता हूँ. And to be very honest, I wasn't very sure about it, but though it's a very good subject to be part. Yes, it clicked, and uska hua ye ki wo phir kafi sare forums pe gayi, and then Z5 pe it went. Really? To Z5. Wow, yes. Wow, that's amazing. I think 190 entries seen, jisme se it won, and now it is being aired on Z5, aur ab bahut jald, inshallah, uski ek web series banne wali. That is amazing. And yeah. You need to be a part, like as celebrities and people who are known and followed, yeah. You need to be part of something of the sort, you know, some sort of cause. So aap kaun se aise cause ko jo hai support karte hain, or you stand for, or you advocate it, is there something? Acha, usme like there I think 2-3 things. Number one, to y'all have stopped watching news. Good. uski sirf ek wajah hai kyunki aap jab lagayein to us pe आपको हर बुलेटिन में 2 या 3 चाइल्ड अब्यूज या रेप के केसेस की वो हो रही होती है. ठीक है, एक तो वो है कि मैंने पिछले दिनों सुना कि बहुत सारे लॉट ऑफ सो कॉल्ड लिबरल्स, और आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मैं क्या उनके लिए लफ्ज़ यूज़ करूं, कि वो लाइक कि नहीं जी क्या कहते हैं, डेथ सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दीज केसेस. या सो मेरे ख्याल में दैट इज़ रॉन्ग इन ऑन ईच एंड एवरी लेवल, कि उनको कॉन्सेंट सिखानी चाहिए. भाई आप एक बंदा जो कि इतना, इट्स आई थिंक रेप
चाइल्ड अब्यूज ये जितने हैं दीज आर दी मोस्ट हीनस क्राइम्स ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट. इवन कत्ल भी जो है वो इससे ज़्यादा घिनौना नहीं. सो एक तो आई थिंक कि ये एक इफ गिवन अ चांस आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग अबाउट इट. दीज आर नॉट पार्डनेबल ऑफेंसेस. दीज आर नॉट ठीक है. आई स्टैंड विद यू. ठीक है. दीज आर नॉट. एंड बिकॉज ये कि कत्ल की चलो ठीक है आप पीछे देख लेते हैं कि मोटिव क्या था, वजह क्या थी, प्रोवोकेशन थी, किस वजह से किया गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसके पीछे, ठीक है. लेकिन इतना बड़ा ये आई थिंक इसके लिए तो दिस नो माफी. नो, नॉट एट ऑल. एट ऑल. अच्छा एक तो ये है जिसका आई विश कि देयर समथिंग आई कैन डू अबाउट इट एंड बी अ पार्ट ऑफ. एंड सेकेंडली एक टोटली से हटके डिफॉरेस्टेशन आपको पता है पूरी दुनिया में कितने रूज पे है इस वक्त. और आप तो अच्छे वाले शहर में भी रहते हैं ना. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. हम तो ऐसे वाले शहर में रहते हैं जहाँ दरख्त काट रहे होते हैं, हम लड़ रहे होते हैं उनसे. आप क्यों काट रहे हैं दरख्त? क्यों काट रहे हैं? आप कुछ कर नहीं सकते. और ये है कि पूरी दुनिया में होता है कि जी जितना मर्जी बड़ा दरख्त हो, अब एक मशीनरी आ गई है, वो एक सर्टन सर्कमफ्रेंस होता है, वो जड़ों से उखाड़ के उसको ले जाके कहीं और प्लांट कर लेते हैं. मुझे समझ, आप अरबों के प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यार आप थोड़े से पैसे खर्च करके मशीनरी बोर्ड करें. किसी को ये बात आप लगी हो, आपके दिल को जाके लगी हो कि डिफॉरेस्टेशन वाली जो बात है और इसका उन्होंने हल बताया है, तो इफ एनीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन दैट, देयर इज अ पर्सन वेरी वेरी फेमस ऑन यूट्यूब कॉल्ड मिस्टर बीस्ट. Mr. Beast नाम है उसका. Okay. He's a young guy, okay. really really young, way younger than I am. But उसका जो platform है, it's huge. And what he does is कि वो पैसे जमा करता है different charities से और अपने ही लगाता है. And what he did was last year I think 1 billion trees लगाए थे उसने. Wow. billion trees. Wow. This was a single man who made that happen. So why can't we? By the way, कराची में भी इस तरह के दो लोग जिनका मुझे पता है. एक हैं शहजाद कुरैशी साहब और आई एम काइंड ऑफ हेल्पिंग हिम आउट एज वेल. उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट के नाम से एक यहाँ पे आप एक चीज़ जो कराची में लोगों को नहीं पता, आप पब्लिक पार्क्स जो हैं जो काइंड ऑफ अबैंडन्ड हैं, आप उन्हें अडॉप्ट भी कर सकते हैं. यस You can adopt them. You can take. Okay. आपको 5 साल का आपका contract होता है with the. I think Jofa ने इस तरह से कुछ किया है. I think एक वो जो दो तलवार पे एक चौरंगी है, वो ही adopted. दो तलवार पे भी और एक और जगह भी. So ये दो तलवार से जरा आगे you've seen the Emerald Mall on the left hand side. ठीक है. Bank opposite Ocean Mall. Yes. उसके साथ एक सड़क अंदर जाती है और उसपे जरा सा आगे जाके right side पे park. It's called the Urban Forest. शहजाद कुरैशी has adopted it और मैं पिछले कोई 3 साल से वहाँ पे जा रहा हूँ. और उनका है ये कि उन्होंने वहाँ पे आपने जाना है 1000 रुपए का पौधा आता है बेसिक. वैसे तो कीमत बहुत कम होती है बट 1000 रुपीज जो है 1000 रुपीज इज द डोनेशन बिकॉज ही इज रनिंग दैट होल प्रोजेक्ट आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट. ठीक है. एंड ही इज माशाल्लाह इज प्लांटेड मोर देन 30,000 सैपलिंग्स देयर और पिछले 3 साल से लगा रहे हैं. पहले उसमें उन्होंने एक ये बनाया था सैम्पल फॉरेस्ट और अब उन्होंने काफ़ी सारी प्लांटेशन कर दी हुई है एंड उनका टारगेट है 50,000 ट्रीज का इन दैट स्मॉल पीस ऑफ लैंड. तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है. आपने जाना है, आपने जाके 1000 रुपए का पौधा खरीदना है, वहाँ प्लांट करना है, उनका माली लगाएगा, ख्याल भी वो रखेगा. इसी तरह एक और आई थिंक मसूद साहब हैं उन्होंने यहाँ पे दुआ रेस्टोरेंट के ऑपोजिट साइड जी, जी 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 या, जी जी वाओ. सो ये फवाद मैं आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लूंगी और मैं लिंक कर दूंगी अपने. बिल्कुल. अगर कोई देख ले अर्बन फॉरेस्ट का पेज भी बना हुआ है, इट्स ऑन फेसबुक, आप जाके देख सकते. आई कैन लिंक दैट. या दैट्स ब्रिलियंट इन्फॉर्मेशन. यस दैट इज अमेजिंग. सो आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर द पास्ट अब तो 3-4 साल हो गए. So, ये मैं भी आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बिल्कुल. मैं जब कॉलेज में होती थी तो मेरी एक दोस्त थी, इनके फादर जो है मिनिस्ट्री में थे. ये मत पूछेगा किस चीज़ की मिनिस्ट्री में थे, मुझे कुछ याद नहीं रहता. ओके. बट व्हाट वी डिड वाज वी स्टार्टेड एनजीओ कॉल्ड लीव्स. ओके. और हम लोगों ने यही किया था कि क्लिफ्टन के एरिया में और डिफेंस के एरिया में जहाँ जहाँ हमारी पहुँचती और उन अंकल की पहुँचती हमारे, तो वहाँ पे हमने प्लांटेशंस की. ओके. वी टुक केयर ऑफ इट फॉर 2 इयर्स बट टू टू थ्री इयर्स उसके बाद देन उनके अब्बा मिनिस्ट्री से चले गए और हम लोग आगे पीछे हो गए. बट दिस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज समथिंग व्हिच कैन बी डन लॉन्ग टर्म. यस. यू नो देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन हु आल्सो स्टार्टेड दिस बट पीछे हट जाते हैं लोग. अच्छा इसमें पता प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताऊं. देखिए पंजाब साइड पे तो नॉर्मली होता है आई हैव प्लांटेड लॉट ऑफ ट्रीज इन पंजाब. मैंने मतलब कि जहाँ वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे सिंपलर है, आपने एक मानसून सीजन में एक दरख्त ला के लगाया
उसके बाद आपको उसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जमीन जो है उसको उसको जरा बंजर है, आपको उसको तैयार करना पड़ता है। जैसे अर्बन फॉरेस्ट में हुआ हुआ है, उन्होंने तकरीबन 2-2 फुट खोद के तो सारा उसको ट्रीट करके, उसके अलावा उन्होंने एक वाटर उधर ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया हुआ है, वो दैट इज अंडरग्राउंड। उसमें होता है कि सीवर का और लाइन का कुछ पानी आता है, वो मिक्स होता है, वो ट्रीट होके जाके एक लेक में गिरता है और वहां से फिर वो लोग दरख्तों को पानी डालते हैं। सो प्रॉब्लम होता है कि आई थिंक CDRS की हेल्प ले सकता है इसमें। या CDRS इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच जस्ट वाटर वाटर प्लांट्स लगाते हैं वो दुनिया में, यहां हमारे पाकिस्तान में जाके, तो आई एम पार्ट ऑफ दैट, सो वी कैन एक्चुअली टेक अ हेल्प फ्रॉम देम। सो वो ये है कि प्रॉब्लम मेनली आती है कि आपने जाके काश्तकारी तो कर दी, यू प्लांटेड ट्रीज देयर, बट उनको बाद में जाके यू नो पानी लगाना, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। यस, इसलिए आई वुड अर्ज के whoever इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ कि आप लोग ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऑलरेडी प्लांट्स अभी टेकन केयर ऑफ, वहाँ पे आप जाएं, आपने जाके सिर्फ एक पौधा खरीदना और वहीं लगा दें। ठीक है, ये तो मुहिम चलानी चाहिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है फवाद, और मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं इसके कट्स जो है हम लगाएं ये इन वाली कॉन्वर्सेशन के, और ये सोशल मीडिया पे हम वायरल कर दें छोटी छोटी चीजों की लिटरली, और शायद मैं और आप वायरल हो जाना फिर। अब देखिए मेरी तो हो गई है शादी और काफी पुरानी भी हो गई, भूल भी जाते हैं लोगों की शादी हुई है, बच्चा किसका है, ये कौन है, मियां को देख लिया तो, बट इनकी तो नहीं हुई, तो मैंने इनको ये कहा था, मैंने कहा आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है इट्स अबाउट यू नो हैविंग अ पार्टनर, यू नो एंड हैविंग लाइक कपल गोल्स, तो व्हाई हैवंट यू थॉट अबाउट दैट फवाद, व्हाई? हाँ वैसे वाकई है ना, वैसे वाकई हैशटैग है ना, एवरी रूमर बनाते हैं हैशटैग, हु आर यू वर्किंग विद दिस? आई एम हु एम वर्किंग, आई एम वर्किंग विद एक्चुअली क्वाइट अ फ्यू पीपल, बट मुझे मुझे उनमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा कौन 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 एलिजिबल है एक्चुअली। हां, और रेडी टू बी, या सिर्फ मतलब प्रोजेक्ट के हद तक ही हो, बस जरूरी नहीं है कोई सीरियस बात हो, बट ये क्यों नहीं, लेकिन पता नहीं वैसे ज्यादातर जो मैंने आजकल है वो तो एक क्या कहते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स वाला एक है चलावा। अच्छा, जिस पे मैंने मैं तो ये कर सकती हूं, लेकिन और अच्छा पता नहीं, मैंने तो एक वीडियो भी इस पे भी बनाई है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स के वो सब कुछ होके शादी होके तलाक भी रहती है, लेकिन वी आर जस्ट, और तलाक के बाद तो माशाल्लाह एवरीबॉडी बिकम्स बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाई? आई डोंट नो, हाउ इज दैट इवन ह्यूमनली पॉसिबल, हाउ इज दैट तलाक यू इन द फर्स्ट प्लेस? सॉरी, आई कांट गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट बिकॉज़ पीपल वुड टेक इट पर्सनली। यस, बोलेगा हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, इन जनरल बात कर रहे हैं, आई वी लव एवरीवन। यस यस, मोस्टली यस, समटाइम्स इट्स अ लिटिल हार्ड टू बिलीव आपको देखने के बाद यार नहीं हो सकता ना नहीं, अच्छा, सो फवाद यू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, एंड यू वर्कड इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आपने टच कर लिया, आपने कमर्शियल्स भी बहुत सारे किए, फिर आपने मॉडलिंग भी करी ली थोड़ी बहुत, मॉडलिंग कर भी ली और एक फिल्म भी की हुई मैंने बाय द वे। अच्छा, ये मैं यहीं पे आने वाली थी, दिस इज अ फीचर फिल्म, दिस वाज अ फीचर फिल्म, इट केम आउट बैक इन 2016 and it bombed at the box office. What was it? It was called Blind Love. Usme Nimra Khan thi, mere आगे के प्लान्स ये हैं कि अभी फिलहाल तो यू नो आपके पास ऑब्वियसली जो ऑप्शंस होती हैं आपने यू हैव टू पिक एंड चूज फ्रॉम देम, एंड फिल्म्स का भी आपको पता है कि most of the casting that is done in signature projects and in films for personal liking or disliking pe aur social media ke basis pe hoti hain. Yeah, ye bhi ek issue hai na, yeah, ki aapke followers kitne hain, followers nahi, not just followers but personal liking or disliking isme aa jati hai, fir usme ye hota hai ki followers wale to kafi sare hote hain, ek to consider hi followers wale kiye rehte hain, fir followers walon se dekha jata hai ki isme se ji zyada likeable personality kiski hai ya kisse dosti zyada hai. Mujhe to lagta hai main hu hi nahi likeable, I tell you, mere sath to ye masla masala hai. Yes, kyunki aap भी एक एक फिल्म की थी, और मैंने एक नहीं पर बहुत सारी, हाँ कैसी बातें कर रहा है, हाँ नहीं फिल्म्स की, मैंने अभी एक मेरी आने भी वाली है, आने वाली, बट मुझे लगता है कि लाइकेबिलिटी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज़ आई थिंक आई डोंट लुक लाइक द सर्टेन पीपल दैट आर प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, व्हिच आई फील, आई डोंट नो, मे बी इट्स नॉट लुक लाइक, इट्स अबाउट हुम यूर फ्रेंड्स विद, दैट इज ट्रू, दैट इज द ओनली थिंग, वो तो हो नहीं सकता, मेरे तो ऑर्गेनिक दोस्तें होती हैं, ठीक है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इनकी कोई कंपनी है या हमदर्द वाले हैं या कोक वाले हैं, उनसे दोस्ती कर ले, तो वो याले अगर आपको फिल्म में आना तो वो तो सोचना पड़ेगा ना, फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा, सो ओह गॉड, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं
वो भी एक टैलेंट होता है जाके दोस्तियां बनाना, वो हर कोई नहीं कर सकता। लाइक मैं जाके कोशिश करूंगा ना तो अगली दफा शायद मुझसे कोई मिले भी ना, दैट इज ऑल्सो टैलेंट। तो वो बट फवाद आपकी और मेरी दोस्ती है, वैसे आप मेरे बहुत ही पॉपुलर किस्म के शो में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बिकॉज हम यूट्यूब पे हैं और हमारे सर्टन टाइम लिमिट्स होते हैं तो हमें जाना पड़ेगा, बट फवाद दोबारा मेरे शो पे आएंगे। बट जाते जाते इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, इतनी चीज़ों से इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, सो मैं चाहती हूँ कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेल पीपल हु फॉलो यू, हु लाइक यू, हु आर योर फैन एंड दे वांट टू वेंचर आउट इन दिस बिजनेस आल्सो, सोशल, ये इन एक्टिंग, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट। अब पढ़े लिखे लोग, पहले तो हमारे बारे में ये सोचा जाता था ना कि जो कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो इस फील्ड में आ जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपके और मेरे जैसे और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके जैसे पढ़े लिखे लोग जो बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं, ट्रेन फॉर अदर थिंग्स हैं, बट फिर भी ये चूज करते हैं, सो इसकी वजह क्या है एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल? देखिए जितने न्यू कमर्स हैं उनके लिए तो सिंपल सी बात जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिंग स्किल्स इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, सो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सोशल मीडिया राइट अवे, ठीक है, उल्टी सीधी वीडियोस बनाएं, हो सकता है उसमें से कोई एक पाड़ी हो रही है टाइप निकल आए, या मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो टाइप निकल आए, ठीक है, सो उसके बाद आप खड़क करके सीधे टाइटल पे आएंगे अलोंग सानिया सईद एंड नुमान एजाज जैसे लोगों की, जैसे लेजेंड्स के साथ, कैलिबर के लोगों के साथ, जिनके साथ मैं भी अगर टाइटल पे हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, और मैं सोचूं कि यार इनके होते हुए मुझे नहीं होना चाहिए, या इनके साथ मुझे किसी एक कैटेगरी में अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट नहीं होना चाहिए, सो आप खड़क करके वो आ जाएंगे। तो अभी से उल्टी सीधी हरकतें शुरू करें, उल्टी सीधी वीडियोस लगाएं हर सोशल मीडियम पे, जो नया सोशल मीडियम आपको नजर आए कि किसी पे एड भी आ रहा हो आप उस पर एक्टिव हो जाएं, और यस वर्क ऑन योर सोशल मीडिया एंड इफ समथिंग क्लिक्स आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो यू कैन बिकम एन एक्टर वेरी इजीली। और प्लीज हमारी ये वीडियो वायरल कीजिए बार बार, पता नहीं कैसे होती है, मुझे नहीं पता वायरल कैसे होती है, या इसको वायरल कीजिए। और और क्या कहते हैं, दूसरा मेरा मैसेज, दो मैसेजेस हैं, एक तो मानसून सीजन जो है वो सर पे है, सो प्लीज प्लांट एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल वेयर एवर यू आर इन पाकिस्तान एंड वेयर एवर इन द वर्ल्ड यू आर, ठीक है, प्लांट देम एंड क्या कहते हैं, एक बंदा कहीं पे भी दो दरख्त लेके लगा सकते, इतने महंगे नहीं आते, सफेदे का पौधा जो होता है वो 15 रुपए का आ जाता है, तो वो लाके लगा दें आप। और दूसरा एक बहुत बड़ी चीज के भाई अपने अंदर पेशेंस थोड़ा सा पैदा करें, मतलब कि हर चीज पे वोलेटाइल होने की या अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करना जिंदगी में सीखे। और जितना आप इग्नोर करेंगे टॉक्सिसिटी उतनी वो मर जाती है, जी जी, उसको हवा देंगे ना तो तब वो ग्रो होती है, बिल्कुल. ये तो आप याद रखिए, नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी इज ओनली एग्जिस्टिंग बिकॉज यू गिव इट द फ्यूल दैट इट नीड्स बाय योर अटेंशन। बिल्कुल। सो लेट्स नॉट, हम खुशियां फैलाना चाहते हैं, थैंक यू फवाद फॉर कमिंग टू माई शो अगेन, इट इज एब्सोल्यूट प्लेजर, इट वॉज मुझे बहुत सारी चीजें जो आपके बारे में नहीं पता थी, थैंक यू वो मुझे पता चली, एंड प्लीज आप लोग बहुत सीरियसनेस में फॉलो कीजिएगा इन्होंने जो भी बातें की हैं, एंड प्लीज मुझे अगर किसी ने ट्री प्लांटेशन की है तो फवाद के मैं सोशल्स भी आपके साथ लिंक कर दूंगी अपने वीडियो के नीचे, आप उनको भी बताइएगा, वीडियोस भी बना के भेजिएगा, लेट्स स्टार्ट दिस नाइस मूवमेंट, प्लीज। एंड टिल नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई अपीयर, उसामा जब भी मुझे इजाजत देते हैं, मेरा शो रिलीज करते हैं 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, रमजान के बाद, ईद पे, तब मैं आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।